हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और अभी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है। तो अभी आपने न्यूज़ भी देखी होगी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। सो आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे हैं जिनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो ये जो टाइम है, ये सबके लिए प्रॉब्लम का टाइम है, बट इस टाइम को हमें अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए इन अ प्रोडक्टिव वे, ताकि जब आगे सिचुएशंस ठीक हों और जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आए तो आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिले। सो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो ये जो वीडियो है, ये उसी से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम बेसिकली इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो आपके सिविल इंजीनियरिंग जॉब के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। सो बेसिकली इसमें हम टारगेट करेंगे साइट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए और वो सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक्सपीरियंस को किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फ्रेशर्स के लिए किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं। तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आपको कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी को पता है कि अभी मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है जॉब्स की। सभी को जॉब चाहिए क्योंकि बहुत लोगों की जॉब्स चली गई हैं। सो इस टाइम पे जब डिमांड हाई है जॉब्स की, बहुत ज्यादा लोग हैं मार्केट में और अभी आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर भी बहुत ज्यादा लोग अभी कॉलेज से फ्रेश पास आउट होंगे, तो फ्रेशर्स के लिए भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। सो इसके लिए आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस टू स्केयर यू, आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी डरे या फिर स्ट्रेस ले, क्योंकि ये उसका सोल्यूशन नहीं है। सो अभी आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसकी प्रिपरेशन करनी है, अपने रिज्यूमे को स्ट्रांग बनाए, जो भी आपके फील्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे बेसिक टेक्निकल क्वेश्चन से, जो कि आप सभी को जरूर पता होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं या फिर फ्रेशर हैं, दोनों को ये क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चंस हैं। तो उन्हीं में से हम कुछ क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आगे मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी फील्ड में ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रेड M10 एंड M20। तो आपको जो कॉन्क्रीट के ग्रेड्स हैं, इनके रेशियो जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, डजंट मैटर, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। सो M10 के लिए 1:3:6, दैट इज सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट। सो M20 के लिए 1:1.5:3, और यहाँ पे मैंने ये पूरी टेबल दी है, आप ये पूरे के पूरे याद कर सकते हैं। सो M30 के बाद हम M35, M40, इसको हम मिक्स डिजाइन से प्रिपेयर करते हैं। सो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट ग्रेड ऑफ सीमेंट एंड व्हाट इट इंडिकेट्स। सो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कंक्रीट के ग्रेड्स पूछे थे और यहाँ पे सीमेंट के ग्रेड्स पूछे हैं। सो दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। सो आई होप कि बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता भी होंगे। सो सीमेंट के 3 ग्रेड्स होते हैं, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड एंड 53 ग्रेड। सो इट इंडिकेट्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, 50 केजी का सीमेंट का बैग होता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। एंड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है 53 मेगा पास्कल। सो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो मेगा पास्कल एंड न्यूटन पर mm² होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन 1-way slab एंड 2-way slab, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। एंड आई होप ये बेसिक क्वेश्चंस आपको जरूर पता होंगे और अगर नहीं पता है तो अब आपको पता लग जाएंगे। सो जो 1-way slab है वो 2 beams से सपोर्टेड होता है और दोनों ही अपोजिट साइड में होते हैं। सो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये दो अपोजिट साइड में जो बीम्स हैं, सो ये 1-way slab है।
लॉन्गर स्पैन पे ये बीम्स होती हैं और दोनों अपोजिट साइड में होती हैं, तो ये वन वे स्लैब होता है। दूसरी साइड जो टू वे स्लैब है वो फोर बीम से सपोर्टेड होता है, उसके चारों साइड पे बीम होती है। तो ये जो पिक्चर है ये टू वे स्लैब की पिक्चर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके चारों साइड पे बीम होती है। तो अब बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में। यहाँ पे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, सो लॉन्गर स्पैन डिवाइडेड बाई शॉर्टर स्पैन, अगर वो टू या टू से ज्यादा आता है तो वन वे स्लैब होता है, और अगर टू से कम आता है तो वो टू वे स्लैब होता है। तो एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे वन वे स्लैब है और इसमें जो मेन बार होता है या फिर क्रैंक बार बोल सकते हैं वो हमारे शॉर्टर स्पैन में लगता है, और जो यहाँ पे लॉन्गर स्पैन में लगे हुए हैं ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और यहाँ पे दूसरी साइड में दोनों ही साइड में मेन बार या क्रैंक बार लगते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्गर स्पैन इज एल वाई एंड शॉर्टर स्पैन इज एल एक्स, तो 8/3 यहाँ पे 8/3 इज 2.66, दैट इज ग्रेटर देन 2, सो इट इज वन वे स्लैब। और यहाँ पे 5/5 दैट इज 1, दैट इज स्मॉलर देन 2, तो ये टू वे स्लैब है। जो चीज मैंने आपको समझाई है आपको इसी तरीके से कोशिश करनी है अपने इंटरव्यू में समझाने के लिए, और अगर आप इस तरीके से समझाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वॉट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाउंडेशन। सो दो टाइप के फाउंडेशन होते हैं, शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक और पिक्चर मैंने लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ फाउंडेशन शैलो एंड डीप। और उसके अलावा आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि शैलो में कौन कौन से आते हैं और डीप में कौन कौन से आते हैं। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वॉट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शीयर फोर्स, एक्सप्लेन। सो बेंडिंग मोमेंट इज अ मोमेंट और अ फोर्स, एक फोर्स है जो कि स्ट्रक्चर पे लगता है एंड मोस्टली ऑन अ बीम, सो इट कॉजेज बेंडिंग ऑफ दैट स्ट्रक्चर, तो उसे हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। एंड शीयर फोर्स इज अ फोर्स जो कि हमारे स्ट्रक्चर पे लगता है लाइक बीम, एंड उसे वो शियर ऑफ करने की कोशिश करता है। शियर ऑफ का यहाँ पे मतलब है तोड़ना, सो शियर का मतलब होता है टूटना, दो अलग पार्ट्स में होना या क्रैक क्रिएट होना, तो उसे हम शियर कहते हैं। एंड बेंडिंग का मतलब आपको पता है बेंड होना। सो यहाँ पे आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसके थ्रू मैं आपको बहुत अच्छे से शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बताने वाला हूँ। लेट सपोज इट इज अ सिंपली सपोर्टेड बीम जो दोनों साइड से सपोर्टेड है, और यहाँ पे हम पॉइंट लोड लगा रहे हैं जो कि सेंटर में लग रहा है हमारा फोर्स, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑपोजिट रिएक्शन है, जो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा बीम है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, उसमें क्रैक हो रहा है और वो टूट रहा है। सो वन पार्ट इज गोइंग अपवर्ड एंड अदर पार्ट इज गोइंग डाउनवर्ड। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हमें साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। सो पॉजिटिव शियर फोर्स तब होता है जब हमारा लेफ्ट पोर्शन जो है वो अपवर्ड मूव करता है और राइट पोर्शन जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है। सेम हमारा दूसरी साइड पे अगर हमारा जो लेफ्ट पोर्शन है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, राइट पोर्शन अपवर्ड मूव करेगा, तो ये हमारा जब स्प्लिट होगा तो ये इस डायरेक्शन में स्प्लिट होगा, इसे हम नेगेटिव शियर फोर्स कहते हैं। मूविंग टू द बेंडिंग मोमेंट, लेट सपोज कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस ऊपर वाली पिक्चर में, और इसमें हमने पॉइंट लोड लगाया है सेंटर में, तो जो फोर्स यहाँ पे सेंटर में लग रहा है उसकी वजह से दोनों जॉइंट्स पे मोमेंट क्रिएट हो रहा है, तो उस मोमेंट में एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो उसकी वजह से ये हमारा जो बीम है उसके अंदर बेंड आया है, तो वो इस तरीके का बेंड होगा जिसे हम सैगिंग कहते हैं। सो सैगिंग इज अ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। ऑल्सो आपको ऐसे याद रखना है कि जब बेंडिंग कनकेव होगी तो वो हमारा सैगिंग होता है, दैट इज पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, और जब हमारी बेंडिंग कन्वेक्स होगी तो वो हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है जिसे हम हॉगिंग कहते हैं। सो इस कंडीशन में ये मेजरली कैंटिलीवर बीम्स पे होता है। सो कैंटिलीवर बीम एक साइड से सपोर्टेड है और दूसरी साइड पे हम लोड लगा रहे हैं, दूसरी साइड के एंड पे हम लोड लगा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारा बेंडिंग होगी वो डाउनवर्ड बेंडिंग होगी, इस तरीके से होगी, सो इसको हम हॉगिंग कहते हैं। सो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट एंड व्हाट इज शियर फोर्स। अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपके लिए कुछ अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास्ट प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए हैं पास्ट प्रोजेक्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उस तरीके के क्वेश्चंस को भी आपको प्रिपेयर करना है। सो समटाइम्स सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, लाइक व्हाट आर द मेजर इशू इन यूजिंग पंपिंग ऑफ कॉन्क्रीट। अगर आपने पहले साइट पे काम किया है तो आपको इसके बारे में पता होगा, तो इसका आंसर है मेन प्रॉब्लम ड्यू टू पंपिंग आर इफेक्ट ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग।
तो पंपिंग की वजह से कंक्रीट बहुत ज्यादा प्रेशर में बाहर निकलता है और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बेसिकली आपको सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग दोनों ही एक्सप्लेन करने होंगे। सो सेग्रीगेशन होता है जब आपके कंक्रीट के अंदर जो एग्रीगेट्स हैं वो सारे के सारे ऊपर आ जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं बाकी के पेस्ट से, तो वो सेग्रीगेशन बोला जाता है। एंड ब्लीडिंग होती है जब आपके हैवी पार्टिकल्स लाइक सीमेंट, सैंड और आपका जो एग्रीगेट है वो सारा का सारा नीचे चला जाता है और वाटर ऊपर आ जाता है, तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सपोज यू नीड टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, हाउ यू विल डू इट। सो ये भी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एक सिचुएशन दी जा रही है कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं, अगर आपको बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है सॉइल की, तो आप कैसे करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज की जाती है। सो इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन एक ये मेथड है। अगर आप फाउंडेशन की डेप्थ को इंक्रीज करते हैं तो भी बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। दूसरा है हमारा कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, बहुत कॉमन मेथड है। और थर्ड है हमारा यूजिंग ग्राउटिंग मटेरियल। सो ग्राउटिंग मटेरियल की यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखाई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इंजेक्ट किया जाता है ग्राउटिंग मटेरियल, सीमेंट का ग्राउट बना के उसको इंजेक्ट किया जाता है और उसकी वजह से हमारे सॉइल की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो ये कुछ मेथड्स हैं, आपको पता होना चाहिए। सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट इज व्हाट इज द साइज ऑफ ब्रिक एंड हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज्ड इन 1 क्यूबिक मीटर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सो ब्रिक का जो साइज होता है वो 19 × 9 × 9 cm होता है, एंड विथ मोर्टार जिसे हम नॉमिनल साइज कहते हैं वो है 20 × 10 × 10 cm। ऑल्सो 500 ब्रिक्स होते हैं 1 क्यूबिक मीटर में। आपको ये बिल्कुल याद करना है कि 500 ब्रिक्स होते हैं, और यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई हुई है 19 × 9 × 9 × 20 × 10 × 10। सो साइज ऑफ द ब्रिक 19 × 9 × 9 एंड विद मोर्टार 20 × 10 × 10। सो वॉल्यूम निकाला है यहाँ पे 2000 आ गया सेंटीमीटर क्यूब, उसके बाद 1 m³ में वॉल्यूम निकाला है। सो ये उसको डिवाइड करने के बाद नंबर ऑफ ब्रिक्स आ गए हैं। सो ये भी आपको पता होना चाहिए। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, That is why cover blocks are required to be placed before concreting. Cover block का जो use है वो इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे steel rods हैं, steel bars हैं, आप ये देख रहे हैं जो steel bars, ये बाहर ना आ जाए concreting करने के बाद, जो concrete surface होगा उसके बाहर ना आ जाए और as per drawing ये fix रहे अपने position पे, तो इसके लिए cover blocks का use किया जाता है। So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक पार्ट में अलग अलग साइज के कवर ब्लॉक यूज किए जाते हैं। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इज विच आईएस कोड इज फॉर कंक्रीट एंड स्टील। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए आईएस कोड के बारे में कि कौन से आईएस कोड यूज होते हैं बेसिक चीजों के लिए, आपके कौन से आईएस कोड आरसीसी वर्क के लिए यूज होते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। सो आईएस कोड 456:2000 इज यूज फॉर प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड कंक्रीट, एंड आईएस कोड 800:2007 इज यूज फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। तो ये स्टील के लिए है और ये आरसीसी के लिए है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पिक्चर लगाई है, आप इसको ध्यान दे और इसको अच्छे से याद कर लें। तो ये तो हमने बात कर ली कुछ बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस की जो कि बहुत कॉमन है और ये काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही पूछे जाएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, बट इनके चांसेस काफी ज्यादा है। ऑल्सो आपको जैसा पैटर्न पता होगा इंटरव्यू का, कुछ एक पैटर्न होता है उसी तरीके से इंटरव्यू चलता है। सो वो जो इंटरव्यू का पैटर्न होता है उसमें हर तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एचआर क्वेश्चंस भी होते हैं। सो आपके रिज्यूमे में आपने क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चंस होते हैं। एचआर क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो आपको पता लगेगा कि एचआर क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करना है। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जॉब प्रिपरेशन के नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको एचआर क्वेश्चंस प्लस रिज्यूमे की वीडियो मिल जाएगी, आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो वापस आते हैं इस वीडियो पे, तो बेसिक क्वेश्चंस तो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपके पिछले प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑल्सो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कहीं पे इंटर्नशिप की है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आपको वो जो फील्ड है जिस फील्ड में आप काम कर चुके हैं उस फील्ड के क्वेश्चंस प्रिपेयर करने बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 90% इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपके इंजीनियरिंग में कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको पता है कि आपके इंजीनियरिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, तो आई विल रिकमेंड और आपको जरूर इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए कि आप इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करें
और इनमें से कोई भी दो सब्जेक्ट की अच्छी प्रिपरेशन करके जाए। तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, जो कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं और अपने कोई भी फेवरेट टू सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपका अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस है तो भी आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं अपनी पर्टिकुलर फील्ड के क्वेश्चंस को। तो लेट मी शो यू द क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।